सब हम दैनिक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के शब्द को पहले मैं बोलूंगी, पश्चात आप लोग जोर जोर से दोहराएंगे। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री प्रेम भिक्षा देही।
सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राम जी। जय जय श्री राम जी। जय जय जयति जगन गुरुवर की गौमी आरती रसिक वर की राजे राजे गोविंद।
Oh,
पुस्तक ब्रजस बिंदु पृष्ठ संख्या 243 पुस्तक ब्रजस बिंदु पृष्ठ संख्या 243 भजु गोपाला गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला Oh,
Oh,
Yeah.
272। एक साधक ने प्रश्न किया है, गृहस्थ में रहते हुए प्रैक्टिकल साधना कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। तो उसको हमारे श्री महाराज जी ने एक संकीर्तन के द्वारा बताया है, गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे, राधे राधे गाएं, यानी कीर्तन करें। कीर्तन क्यों करें? देखिए, हर युग में भगवान की प्राप्ति के साधन अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही, द्वापर कर हरि गुरु पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो राम ही सुमीरिये गाइए, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय है भगवान नाम कीर्तन, भगवान के नाम गुण लीलाओं का गान करना। तो सर्वप्रथम हम सबको बैठकर राधे राधे गाना है, यानी भगवान की लीलाओं का गुणों का गान करना है। तो गाओ सब हिली मिली राधे 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 राधे, कितनी देर कीर्तन करेंगे, घंटा दो घंटा तीन घंटा, फिर थक जाएंगे। तो जब थक जाएं तो क्या करना है, थका हूं नाम गाते जब राधे, श्वास श्वास जपु राधे। जब कीर्तन करते करते आप थक जाएं तो श्वास श्वास से नाम जप का अभ्यास करें।
हम सब लोग दो प्रक्रियाएं करते हैं, एक तो श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास लेते समय रा, छोड़ते समय धे, राधे राधे, ऐसा हमें अभ्यास करना है, यानी श्वास श्वास से नाम जप करना है। तो जब थकी जाऊं तब आऊं तो राधे, करते हुए थक जाओ तो थकहु नाम गाते, जब थक जाऊ तबहु तो राधे, सुमिरिए नित्य छवि राधे। फिर मन से चिंतन करना है, आप लेटे हैं बैठे हैं, आंख बंद करके राधा रानी का चिंतन कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए, यानी श्वास श्वास से जप करते हुए जब थक जाए तो आंख बंद करके केवल स्मरण करना है, चिंतन करना है। तो जब थकी जाऊं तब आऊं तो राधे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान सहित करु राधे। आप किसका नाम ले रहे हैं उसका रूप ध्यान करते हुए कीर्तन करना है, जप करना है। भागवत में नवधा भक्ति बताई गई है, नवधा भक्ति के अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार की भक्ति, 15 प्रकार की भक्ति, 18 प्रकार की भक्ति, 25 प्रकार की भक्ति, यहाँ तक कि रामायण में 30 प्रकार तक की भक्ति बताई गई है। और उन 30 प्रकार की भक्ति में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है, और नवधा भक्ति में भी 3 भक्ति प्रमुख है जो हमारे श्री महाराज जी बताते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम।
श्रवण करना, सुनना, केवल आप कीर्तन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति है। लेकिन केवल श्रवण भक्ति से काम नहीं चलेगा, इस श्रवण में स्मरण प्लस करना होगा, यानी ध्यान, तब हमारा काम बनेगा। क्योंकि अगर केवल श्रवण भक्ति से काम बनना होता तो हमारे संसार में जितने बहरे हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता, वो कहते हैं जी हमको तो सुनाई नहीं पड़ता, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए। तो भगवान ने कहा, मैंने कब कहा है कि केवल सुनने से काम बनेगा, श्रवण प्लस स्मरण। तो श्रवण भक्ति प्लस स्मरण भक्ति, केवल श्रवण से काम नहीं बनेगा। दूसरा है कीर्तन, वाणी से भगवान के गुणों का गान करना, इसको कीर्तन कहते हैं। लेकिन केवल कीर्तन से काम नहीं बनेगा, अगर केवल कीर्तन से काम बनना होता तो जितने गूंगे हैं वो हड़ताल कर देते जी हम तो बोल ही नहीं सकते, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए। तो भगवान ने कहा, मैंने कब कहा केवल कीर्तन से काम बनेगा, कीर्तन प्लस स्मरण, यानी ध्यान करते हुए, रूप ध्यान करते हुए कीर्तन करना है, तब हमारा काम बनेगा। अब तीसरी भक्ति स्मरण, आंख बंद करके रूप ध्यान करना, चिंतन करना, स्मरण करना, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। तो केवल स्मरण भक्ति से भी काम बन जाएगा, लेकिन केवल श्रवण, केवल कीर्तन से काम नहीं बनेगा। तो प्रमुख क्या है, स्मरण। ध्यान के बिना अगर हम कीर्तन कर रहे हैं तो 0/100, बस नथिंग से समथिंग अच्छा है, कोई निंदा चुगली कर रहा है, गप्पे मार रहा है और हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो नथिंग से समथिंग अच्छा है। लेकिन इसको साधना या भक्ति नहीं कहते, भक्ति का मतलब है रूप ध्यान पूर्वक कीर्तन करना। तो स्मरण प्रमुख है। तो यहाँ पर शिव महाराज जी कह रहे हैं, चाहे कीर्तन करो या जप करो, लेकिन ध्यान सहित करो राधे, रूप ध्यान पूर्वक हमें कीर्तन करना या जप करना है। तो करहू कीर्तन या जप राधे, 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 ध्यान सहित करना, ध्यान करना, यानी राधा रानी हमारे सामने खड़ी है साक्षात, उन्होंने ऐसा ऐसा श्रृंगार किया हुआ है और वो सिंहासन पर विराजमान है और हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी कब मुझे तुम्हारे दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, इस तरह से प्रार्थना करना, उनको साक्षात अपने सामने बिठाकर,
वो हमारे सामने खड़ी हुई है, हमारे सामने बैठी हुई है, यह संयोग का चिंतन करना। तो खड़ी सामने राधे 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 राधे, खड़ी सामने राधे राधे राधे। राधा रानी, इतने दिन हो गए तुम्हारे गुणों का गान करते हुए, कीर्तन करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारा दिव्य दर्शन नहीं हुआ। हे राधा रानी, वो दिन कब आएगा जब मुझे तुम्हारा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा? कब मैं अपने कानों से तुम्हारी दिव्य वाणी का श्रवण करूंगा? अब बहुत दिन हो गए तुम्हारा ध्यान करते हुए, अब तो मुझे दर्शन दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से वियोग का रूप ध्यान करना है। तो मिलाई बेगी अब राधे 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 राधे, मिलाई बेगी अब राधे 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 राधे, मिलाई हमें कीर्तन करना है। अब एक प्रमुख बात है, निज गुरु इष्ट भक्ति मेरा रे, निज गुरु इष्ट भक्ति मेरा रे, निज गुरु इष्ट भक्ति मेरा रे, निज गुरु इष्ट भक्ति मेरा। राधे राधे
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नवे अध्याय का 22वां श्लोक गीता, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसी पर मैं कृपा करता हूँ, उसी की मैं रक्षा करता हूँ, उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन अनन्यता पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, निज गुरु इष्ट भक्ति में राधे, अपने गुरु में, इष्ट में और भक्ति मार्ग में अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य माने क्या, जैसे ना एक अनेक, ना उचित अनुचित, ऐसे ही ना अन्य अनन्य, यानी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए। हमारे देश में 99% लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन अनन्य भक्ति नहीं करते। यानी जन्माष्टमी आए, ठाकुर जी के लिए व्रत रख लिया, नवरात्रि आए, दुर्गा जी के लिए व्रत रख लिया, शिवरात्रि आए, शंकर जी के लिए व्रत रख लिया, यानी हम सबसे बनाकर रखते हैं, रूठ ना जाए। सब के चक्कर में एक भी काम आता, तो इसलिए कहा गया कि एक को अपना इष्ट बनाओ, वो चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सीताराम जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, एक को, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक को अपना इष्ट बनाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर हम राधा कृष्ण के उपासक हैं और हम जा रहे हैं रास्ते में शिव मंदिर पड़ा, हमें इनसे क्या मतलब, हमारे तो राधा कृष्ण होते हैं, ऐसा नहीं करना। नमस्कार सबको करना है, प्रणाम सबको करना है, लेकिन मन से एक को अपना इष्टदेव बनाना है, एक की भक्ति करनी है। तो अपने गुरु में, अपने इष्टदेव में और भक्ति मार्ग में बहुत से साधक क्या करते हैं, किसी का भी सत्संग आ रहा है, कहीं भी कीर्तन हो रहा है, सत्संग प्रेमी है तो सब जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भाई सगुण साकार की भक्ति बताता है, कोई निर्गुण निराकार की भक्ति बताता है, तो सबका मार्ग अलग अलग है। तो हम सर्वज्ञ तो है नहीं, सबकी बात समझ जाए। तो अगर आप जगह जगह सत्संग में ही जाएंगे तो किसी ने कोई बात कही तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, ये सही है कि ये सही है, हम क्या करें, तो लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अपने गुरु में, अपने भक्ति मार्ग में, अपने इष्ट देव में अनन्यता होनी चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसी पर मैं कृपा करता हूँ, उसी की मैं रक्षा करता हूँ, उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो अनन्य बने रहना है, अनन्यता पर ध्यान देना है। अगर हम अनन्य भक्ति नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको तो आगे बढ़ना है ना, तो अनन्यता पर जोर देना है। तो निज गुरु इष्ट भक्ति मेरा दे, रह दूर भावना कत
किसी से भी हमारा दुर्भाव नहीं होना चाहिए, किसी में भी दुर्भावना ना आने पाए, न्यूट्रल उदासीन हमको रहना है, ना कहीं राग ना कहीं द्वेष, उदासीन न्यूट्रल अवस्था में हमको रहना है। किसी से अगर आसक्ति करेंगे तो वो भी हमारी भक्ति में बाधा है, किसी से हम द्वेष करेंगे वो भी भक्ति में बाधा है। तो राग द्वेष रहित हमको रहना है, यानी उदासीन, ना किसी से राग ना द्वेष, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर, ये स्थिति, यानी उदासीन न्यूट्रल रहना है। तो उदासीन रहूं राधे 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 राधे, देखेंगे तो कहीं पर भी हमारी दुर्भावना नहीं रहेगी। तो सब महरह कृपालु नित राधे, ये भाव रखु राधे, सब में श्याम सुंदर बैठे हैं सबके हृदय में, ऐसा भाव हमें रखना है। तो सब महरह कृपालु तब राधे राधे
रारी झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी झूलावे बनवारी। कदम की रारी पर झूला पड़ा हुआ है और राधा रानी उसमें बैठी हुई हैं और श्याम सुंदर बनवारी। Bye.
I'm not.
आपको कहीं दूर से तो आना नहीं है कि बंबई से आना है कि कलकत्ता से आना है, अमेरिका इंग्लैंड से आना है। अगर कहीं दूर से आना है तो चलो फ्लाइट लेनी पड़ेगी, ट्रेन लेनी पड़ेगी, लेकिन आप तो मेरे हृदय में बैठी हैं। उर में ही रह आजा बाहर राधे, हृदय में बैठी हैं, मन में बैठी हैं, तो बाहर आके दर्शन दे दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा। तो उर में ही रह आजा बाहर राधे, झलक दिखा जा पूनी जा ब्रज 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 बच्चा हूँ, शिशु हूँ, तो माँ अपने बच्चे को हृदय से लगाती है, ऐसे ही आके मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। उड़ते लगा जा जा मेरे शिशु राधे, उड़ते लगा जा जा मेरे शिशु राधे, उड़ते लगा जा
दर्शन नहीं देना है तो आप ये कह दीजिए मैं दर्शन नहीं दूंगी, और जब आ ही गई तो दर्शन तो हो ही जाएगा। बड़ा चलाक है भक्त, जो ना तो आके कहूँ नहीं आऊँ रारे, जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु का
जन्म शताब्दी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 9 अक्टूबर शत पूर्णिमा पर श्री महाराज जी का अवतरण दिवस है, यानी जन्म दिवस है, और उसी उपलक्ष में ये संकीर्तन महोत्सव रखा गया है। तो आज का संकीर्तन जो हमारे ऑनलाइन यजमान है वो है अनीशा, उनकी छोटी सी बिटिया हुई है, उसका नाम किशोरी रखा गया है। तो अनीशा की जो बेटी है किशोरी, उसके लिए अनीशा को बहुत बहुत बधाई, उनकी नानी नाना किरण जी दीपक जी को बहुत बहुत बधाई, और दादी दादा सबको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, I'm not afraid।
Thank you.
भक्ति धाम मनगर की जय।